हेलो स्टूडेंट, मैं तो लाजपूत। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, आज की क्लास में एक इम्पॉर्टेंट डिफरेंशिएशन सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट देखो, हमारे पास डिफरेंशिएशन है। यदि अंडरवुड में 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस अंडरवुड में 1 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए ब्रैकेट में एक्स माइनस वाई हो, तो सिद्ध कीजिए डी वाई डी एक्स बराबर टी अंडरवुड में 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो स्टूडेंट देखो, ध्यान से देखना, ठीक है? ये बोर्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसको अच्छी तरीके से आप लोग तैयार कर लेना। स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट देखो। तो सबसे पहले देखो, हमारे पास क्वेश्चन लिखा है कि अंडरवुड में 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस अंडरवुड में 1 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए एक्स माइनस वाई कह रहा है। देखो सिद्ध करना, ठीक है? ये चीज हमें सिद्ध करनी है यहाँ पे। स्टूडेंट देखो, अब स्टूडेंट देखो, इस क्वेश्चन को हम लोग डायरेक्ट सॉल्व नहीं करेंगे, ठीक है? यहाँ पे हम लोग इसको मान के करेंगे। देखो ठीक है, यहाँ पे तो मान लेते, देखो यहाँ पे माना x इक्वल टू साइन ए और y इक्वल टू मान लेते हम लोग साइन बी। देखो x इक्वल टू हमने क्या मान लिया है, साइन ए मान लिया है, और y इक्वल टू क्या मान लिया है, साइन बी मान लिया, ठीक है? अब ये वैल्यू उठा के यहाँ पे पुट कर देते। देखो तो यहाँ पे हम पुट करेंगे तो क्या आएगा, अंडरवुड में आ जाएगा हमारे पास 1 माइनस एक्स की वैल्यू। देखो यहाँ पे लिखते हैं तो ये जाएगा साइन ए पूरे का होल स्क्वायर प्लस अंडरवुड में आएगा 1 माइनस वाई की वैल्यू रख देते हैं साइन बी का होल स्क्वायर इक्वल टू, ठीक है? यहाँ पे ये आ जाएगा ए और यहाँ आ जाएगा साइन ए माइनस के साइन बी। देखो हमने एक्स और वाई की वैल्यू पुट कर दी है। अब स्टूडेंट देखो यहाँ पे इसको हम सॉल्व करते हैं, तो अंडरवुड में आएगा 1 माइनस इसको लिखेंगे साइन स्क्वायर ए प्लस इसको लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर बी और यह आ जाएगा ए साइन ए माइनस के साइन बी। अब देखो स्टूडेंट लिखा है, देखो 1 माइनस के साइन स्क्वायर ए, ये क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए होता है। तो यहाँ पे हम लिख देते, देखो इसका फॉर्मूला पुट कर देते, ठीक है? यहाँ पे आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए आ जाएगा प्लस अंडरवुड में, ठीक है? ऐसे देखो ये 1 माइनस के साइन स्क्वायर बी, 1 माइनस साइन स्क्वायर बी क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास कॉस स्क्वायर बी आ जाएगा और ये आ जाएगा ए यहाँ आ जाएगा साइन ए माइनस के साइन बी। अब देखो इसको रूट से बाहर निकाल लेते, ठीक है? तो ये आ जाएगा हमारे पास कॉस ए आ जाएगा और ये आ जाएगा प्लस के कॉस बी इक्वल टू, ठीक है? यहाँ पे आ जाएगा ए ये आ जाएगा साइन ए माइनस के साइन बी आ जाएगा, देख लो, ठीक है? तो यहाँ पे हमने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। अब स्टूडेंट देखो यहाँ पे दो फॉर्मूले लगेंगे, ठीक है? एक तो यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग कॉस सी प्लस कॉस डी, ठीक है? एक यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे और यहाँ पे अप्लाई करेंगे हम लोग साइन सी माइनस साइन डी अप्लाई करेंगे। यहाँ पे दो फॉर्मूले अप्लाई करते हैं देखो, और ये दोनों फॉर्मूले हम लिख देते हैं यहाँ पे, ठीक है? तो हमारा पहला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे कॉस सी प्लस कॉस डी। कॉस सी प्लस कॉस डी क्या होता है, ये होता है टू कॉस सी प्लस डी वाई टू इंटू कॉस सी माइनस डी वाई टू। देखो ठीक है, यहाँ पे दो फॉर्मूले अप्लाई करेंगे, ठीक है? ये दो फॉर्मूले। अब देखो अगला फॉर्मूला, ठीक है? अगला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, अगला अप्लाई करेंगे सेकेंड वाला फॉर्मूला, ठीक है? यहाँ पे साइन सी माइनस के साइन डी। देखो साइन सी माइनस साइन डी क्या होता है, ये होता है टू कॉस सी प्लस डी वाई टू और इंटू में होता है साइन सी माइनस डी वाई टू, देख लो, ठीक है? यहाँ पे तो ये दो फॉर्मूले देखो अप्लाई करेंगे, ठीक है? यहाँ पे अप्लाई करेंगे हम लोग कॉस सी प्लस कॉस डी, यहाँ पे अप्लाई करेंगे साइन सी माइनस साइन डी। तो अप्लाई कर लेते देखो, तो यहाँ पे अप्लाई करो कॉस कॉस ए प्लस कॉस बी में, ठीक है? यहाँ पे तो अप्लाई करेंगे देखो, तो ये आ जाएगा हमारे पास टू कॉस, ये आएगा ए प्लस बी वाई टू आ जाएगा और कॉस आ जाएगा ए माइनस बी वाई टू आ जाएगा इक्वल टू, ठीक है? ए। अब देखो यहाँ पे अप्लाई करते देखो, और यहाँ पे अप्लाई करेंगे साइन सी माइनस साइन डी इसमें, ठीक है? यहाँ पे अप्लाई करो साइन सी माइनस साइन डी, ये आ जाएगा हमारे पास टू कॉस ए प्लस बी वाई टू और इंटू में आएगा देखो साइन ए माइनस बी वाई टू। अब स्टूडेंट देखो जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर दे रही है। देखो एक तो ये कॉस ए प्लस बी वाई टू कैंसिल हो रहा, ये कैंसिल हो रहा, देखो ठीक है सेम है, और टू से टू भी कैंसिल हो रहा है, तो बचेगा हमारे पास, देखो बचेगा हमारे पास स्टूडेंट
यहाँ पे बचेगा हमारे पास कॉस ए माइनस बी वाई टू बचेगा, और इधर बचेगा ए साइन, बचेगा हमारे पास ए माइनस बी वाई टू बचेगा। अब इस देखो इसको इधर डिवाइड कर देते, देखो यहाँ पे ठीक है, इसको हम डिवाइड करेंगे तो यह आ जाएगा हमारे पास कॉस ए माइनस बी वाई टू अपॉन में साइन ए माइनस बी वाई टू इक्वल टू आ जाएगा, देखो ए आ जाएगा। अब इस देखो ये बन जाएगा हमारे पास कॉट, ये जाएगा कॉट ए माइनस बी वाई टू इक्वल टू आ जाएगा ए। अब इस देखो यहाँ पे कॉट को उधर ट्रांसफर कर देते हैं तो ये आएगा ए माइनस के बी वाई टू इक्वल टू आ जाएगा कॉट इनवर्स ए आ जाएगा, क्या देगा कॉट इनवर्स ए आ जाएगा। अब इस देखो टू को और इधर भेज दे रहे ठीक है, तो ये आ जाएगा ए माइनस बी इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास टू कॉट इनवर्स ए आ जाएगा। देखो यहां तक आ गए हम लोग ठीक है। अब स्टूडेंट देखो इसका हम डिफरेंशिएशन अभी नहीं करेंगे ठीक है, यहाँ पे हम क्या करेंगे इसकी हम वैल्यू वापस करेंगे। देखो ठीक है यहाँ पे इसकी कौन देखो वैल्यू जो हमने लेट की थी ठीक है, वो सारी वैल्यू हम वापस कर दे रहे हैं। देखो हमने एक्स इक्वल टू क्या माना था, एक्स इक्वल टू माना था यहाँ पे साइन ए, एक्स इक्वल टू क्या माना था साइन ए, और वाई इक्वल टू माना था हमने साइन बी। तो यहाँ पे देखो ए की वैल्यू निकालो, ए की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ से ए इक्वल टू आ जाएगा, साइन को इधर ट्रांसफर कर देना ठीक है, इधर ट्रांसफर करेंगे तो ये जाएगा साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा। ऐसे देखो यहाँ पे बी की वैल्यू निकाल लेते, बी इक्वल टू क्या होगा इस साइन को इधर भेज दे रहे ठीक है, और इधर भेजेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास साइन इनवर्स बी, सॉरी साइन इनवर्स वाई हो जाएगा, सॉरी स्टूडेंट यहाँ पे साइन इनवर्स वाई आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे हम पुट कर देते ठीक है, यहाँ पे इसको डाल दे रहे इक्वेशन वन ठीक है यहाँ पे, तो फ्रॉम इक्वेशन वन से, तो फ्रॉम इक्वेशन वन से यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं। तो यहाँ पे ए की वैल्यू है हमारे पास साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स ठीक है माइनस, और बी की वैल्यू है देखो हमारे पास साइन इनवर्स वाई ठीक है यहाँ पे साइन इनवर्स वाई, और इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास टू कॉट इनवर्स ए। देखो ठीक है यहाँ पे अब हम इसका देखो डिफ्रेंशिएशन करते हैं, देखो अब हम इसका डिफ्रेंशिएशन करते थे, डिफ्रेंशिएशन ठीक है यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये आ जाएगा साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन कर लो कितना आएगा, साइन इनवर्स एक्स का होता है वन अपॉन अंडर रूट में वन माइनस एक्स स्क्वायर, इधर आ जाओ माइनस, अब साइन इनवर्स वाई का करो तो वन अपॉन अंडर रूट में आ जाएगा वन माइनस वाई स्क्वायर, और वाई का कर लेते हैं डी वाई डी एक्स इक्वल टू। अब देखो स्टूडेंट ये हमारा कॉन्स्टेंट है ठीक है, कैसा है कॉन्स्टेंट ही अच्छा रेडी है, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा जीरो आ जाएगा। अब इसको देखो इसको उधर ले जाएंगे ठीक है, तो इसको उधर ले जाते हैं तो वन अपॉन अंडर रूट में आएगा वन माइनस एक्स स्क्वायर, और ये आ जाएगा अंडर रूट में वन माइनस वाई स्क्वायर, और डी वाई डी एक्स आ जाएगा। तो यहाँ से देखो हम डी वाई डी एक्स की देखो वैल्यू निकाल लेते ठीक है, यहाँ पे डी वाई डी एक्स की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, तो इसको उधर भेज देते देखो देखो डी वाई डी एक्स आ जाएगा। तो ये वाला जो पार्ट है ठीक है इसको इधर भेज दो यहाँ पे ठीक है, ऊपर भेज दे रहे, ये आ जाएगा हमारे पास अंडर रूट में आएगा वन माइनस वाई स्क्वायर, और नीचे क्या लिखा था अंडर रूट में वन माइनस एक्स स्क्वायर। अब इस देखो रूट एक साथ कर देते हैं तो डी वाई डी एक्स आ जाएगा अंडर रूट में वन माइनस वाई स्क्वायर अपॉन में वन माइनस एक्स स्क्वायर, देख लो इस्टो ठीक है, यही हमें सिद्ध करना था ठीक है, लिख दो एंस प्रूफ। देख लो ठीक है इस तरह से हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना था, ये बोर्ड के लिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको अच्छी तरीके से आप लोग तैयार कर लेना।